बसो हमार नगरी मोह सुंदर मुख दिखला ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरे नूनु चीख पुकार वे। ये गाना मेरी अम्मी ने मुझे गाया था ये कलाम, ये तुमने ही कोक सुगी में ये और आज हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट के पास फैसलाबाद में, असद अब्बास भाई, जिसका इंटरव्यू करना है भाई ने, अहमद भाई आज गाने भाई ने इंटरव्यू करना है। लेकिन ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो साथ लेके जाने, इसकी वजह से गाड़ियों में स्टार्ट कर लिए, बाहर गाड़ी में सामान हमें रखना है। तो सबसे पहले फटाफट से ये सामान रखते हैं, उसके बाद आपको रास्ते में ट्रक मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने वो भी लेना यार, उसको वो आईफोन का वो जो लीड है जिसमें हमने वो लगाना है ना, आईफोन का वो वायर जो होती है वो छोटी, क्योंकि उसमें वो करेंगे ना हम मैट भी वाला अटैच करेंगे, तब चलेगा भाई, इंसर्ट करेंगे भाई, तभी वो वॉइस क्वालिटी उसमें ज्यादा बेहतर देगा भाई। बाकी हम मिलते हैं रास्ते में। लेकिन भाई यार हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने ना वो आईफोन की वो जो एक्सटेंशन है वो लेनी है यार। अभी पहुँचे देखते वहाँ से मिलती भी नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पता किया था अटैच नहीं हो रही थी यार मुझसे, पता नहीं किस तरह करते हैं यार उसको अटैच। खैर पहुँचते हैं तो पता लगता है भाई। मतलब ब्लूटूथ वाला नहीं है, डायरेक्ट लगाए और शुरू हो जाए। डायरेक्ट लगा के चेक कर लो, मिल तो गई है, देखो अटैच करके देखते हैं इसको अटैच होती है नहीं होती। लगाओ फटाफट। अच्छा वो खोल रहे हैं यार, वो वहाँ से मिलता तो है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है, आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। आप किसी और शॉप से पता करते हैं, शायद वहाँ से मिल जाएगा। अभी हम डायरेक्ट इसको लगा कर फोन करेंगे। भाई मिल गया फाइनली मिल गया यार, और अल्लाह करे वो कनेक्ट भी हो गए। अभी चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। जी फाइनली यार हम पहुंच गए यार, और असद अब्बास भाई दी लेजेंडरी सिंगर, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं यार, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने माने बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और हम उनके घर तकरीबन पहुंच चुके हैं यार, इस गली में उनका घर है। पूरी दुनिया जो घूमने वाला बंदा जो है वो आज इस गलियों में रह रहे हैं, इन गलियों में यार, ये उनका घर है। तो अभी जाते हैं उनके पास यार, क्योंकि हमारा ये दूसरा इंटरव्यू, पहला तो मैंने नहीं अपलोड किया था, ये दूसरा है, उनके पास चलते हैं यार, तो देखते हैं कैसी हालत है उनकी, क्योंकि मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं यार, तो अल्लाह उनको बहुत जल्द अच्छा करे भाई, फिर उनके साथ दोबारा एक मुलाकात करेंगे। फाइनली यार हम इस टाइम उस कमरे में मौजूद है जहाँ पे हमारे भाई असद अब्बास भाई मौजूद है यार। असद अब्बास भाई का अभी भाई इंटरव्यू करेंगे यार। जो जो भी मेरा भी ये वीडियो देख रहे हैं यार, जितने लोग भी देख रहे हैं यार, सब लोग इनको देखें और इनकी हालत देखें और कुछ ना कुछ जो इनकी मदद है ना वो यार करें। मेरी हुकूमत से भी यही अपील है यार कि जो इनको देख रहे हैं यार वो इनकी बहुत सारी मदद करें यार, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं यार हमारे, बहुत पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इनका नाम है यार, इनकी मदद करें यार, हेल्प करें यार इनकी। मुकासा गया नी मेरा छड़ गए काग बने
माँ पे सब सहेलड़ियां नी मैनू ताना दे दे तेरा हो पछी भी मुड़ करानो दे क्यों चित नहीं करदा तेरा आसरदार वसा जा जो का हो कदी पात तड़ी वल फेरा ना मैं सोनी ना गुण पल्ले ना तेरी दीद गरीबां दा हजवे हवे कदे आवे माही गल लगवे। ये गाना मेरी अम्मी ने मुझे गाया था ये कलाम। ये तुमने कोक स्टूडियो में ये और मैं कंफ्यूज था मुझे जब कोक स्टूडियो से कॉल आई कि मैंने कहा अम्मी मैं कौन सा कलाम पढ़ूं कोक स्टूडियो में। तो मैंने कहा तुम अक्सर घर में है ना गुनगुनाते हो कदे अब तेरी दीद गरीबा का अम्मी ने कहा। तो ये मैंने कोक स्टूडियो के उसमें इंटरव्यू में भी लिखा है कि मैं ये गाना मैंने अपनी अम्मी के गाने पर रिकॉर्ड किया है। तो याद तो बहुत आती है। दूर दे मत जा बसो हमारे नगरी मुह सुंदर मुख दिखला ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरे नूनो चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल फाइनली यार इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो बस अभी हम निकल रहे हैं वापसी के यार बड़े दुख में यार। बस दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इनको जल्द से याद कर दे यार। इंटरव्यू वगैरह हो गया यार अभी हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। अंधेरा भी काफ़ी हो गया यहाँ से घर भी तकरीबन कोई हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे यार वापस आते हुए। तो बाकी जिस जिसने हमारी ये वीडियो देखी लाइक और सब्सक्राइब कर दें यार। दुआ करें असद भाई असद अब्बास भाई के लिए कि अल्लाह इनको जल्दी जल्दी अच्छा कर दे यार ताकि हमने फिर बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम हमने इकट्ठे करें। ये गाड़ी खड़ी है हाँ ये इनके भाई हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प कर रहे हैं यार जितना हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इनके साथ असद भाई के साथ यही होते हैं। खैर हम यहाँ से लगेंगे 2 घंटे यार घर जाते हुए रास्ते में वीडियो नहीं बनाएंगे। जिस जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब देखिए वीडियो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले यार और दुआओं में हमें याद रखें यार। अल्लाह हाफिज़।